आज बसो कल्याण के इलियास कुरैशी जो कांग्रेस पार्टी के युवा अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में आज की जो प्रोटेस्ट रखा गया है, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोटेस्ट का जो उद्देश्य है वो ये है कि पूरे देश के अंदर मोदी जी पूरे कंट्री के अंदर जो है पूरे सेक्टर्स को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि ट्रेन्स पहले गवर्नमेंट के अंडर में चलते थे, आज वही ट्रेन्स प्राइवेट सेक्टर में चले जा रहे हैं। दूसरा जो बैंकिंग सेक्टर है पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेट पे लाने का एक स्कीम बनाया उन्होंने, और केबी जितने भी जो पावर हाउसेस यानी अपने दोस्तों को अडानी और अंबानी को पूरे देश को बेचने की जो तैयारी कर रहे हैं मोदी जी, तो इनके खिलाफ में हर सेक्टर के लोग आवाज उठा रहे हैं। और आज इसी सिलसिले में देश को बचाने के लिए मोदी जी ने तो देश के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि जो कांग्रेस सरकार ने जो पिछले 70 सालों में मेहनत कर इस देश को संवारा था, इस देश को बनाया था, इस देश को बिगाड़ने का काम मोदी सरकार और बीजेपी सेंट्रल सरकार कर रही है, इसके खिलाफ में आज कांग्रेस पार्टी ने जो यूथ मोर्चा है यूथ मोर्चे के नेतृत्व में आज ये प्रोटेस्ट जो बीजेपी के खिलाफ आक्रोश और मोदी के खिलाफ आक्रोश जो है व्यक्त करने के लिए आज ये प्रोटेस्ट रखा गया है। और हम पूरे देशवासी पूरे हिंदुस्तान में जितने भी सिटीजन हैं वो मोदी जी से डिमांड करते हैं, बीजेपी सेंट्रल सरकार से डिमांड करते हैं कि हमारे को जैसा पहले देश चलता था हम वैसे ही देश चलाना चाहते हैं, वैसे ही देश चलना चाहिए। जैसे कि जो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हुआ करते थे वो गवर्नमेंट में ही चलना चाहिए। तो मैं ये मोदी सरकार से डिमांड करता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन को खत्म करना चाहिए और एज यूजुअल जैसा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वैसे ही चलना चाहिए। आज जैसे कि बसो कल्याण में आक्रोश जताया है कांग्रेस यूथ इलियास कुरैशी के नेतृत्व में, हमारा उद्देश्य यह है कि जो मोदी सरकार जैसे भारतीय रेलवे होती थी आज वो अडानी रेलवे हो चुकी है, जैसे कि केबी कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसको आज रिलायंस बोर्ड बनाया जा रहा है, बैंकिंग सेक्टर इसमें भी प्राइवेट कंपनियों को एंट्री दी जा रही है, देश को बेचा जा रहा है, बीमा कंपनी को बेचा जा रहा है, बीमा कंपनी के शेयर दिए जा रहे हैं। इसके लिए हम बसो कल्याण से यूथ कांग्रेस इलियास कुरैशी के नेतृत्व में अपना आक्रोश जाहिर करते हैं। मोदी सरकार ने जो 10 सालों में देश को पीछे ले गया है, जितने 70 साल में कांग्रेस ने देश को सुधारा था बनाया था उसको खाक में और मिट्टी में मिलाने का काम मोदी सरकार ने किया है। सभी को मेरा सलाम आदाब नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं आज प्रोटेस्ट किया गया है बीजेपी गवर्नमेंट के अपोज में यूथ कांग्रेस की तरफ से। हम बीजेपी गवर्नमेंट से करते हैं कि इससे पहले जैसा देश चल रहा था 70 साल में कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, जो भी आज बेचने को निकाले हैं वो सब कांग्रेस की बदौलत थी। आप आकर 7 साल में पूरे देश को बर्बाद किया है, तो हम डिमांड करते हैं यूथ कांग्रेस और बस पूरे हमारे इंडिया के अवाम आपसे गुजारिश करती है जैसा देश चल रहा था वैसा चलाने के फिर से एक बार हम गुजारिश करते हैं आपसे। जो मोनेटाइजेशन कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन वो हमको पसंद नहीं है, जिसमें सब यूथ का और देश का नुकसान होता है प्राइवेटाइजेशन में, सब चीज़ महंगी होंगी और देश फिर से पीछे जाएगा। तो हम यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिंदाबाद यूथ कांग्रेस, जिंदाबाद यूथ कांग्रेस, जिंदाबाद यूथ कांग्रेस, जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद। मेरे भाइयों का और दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय यूथ कांग्रेस।